गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ने जा रहे कक्षा छठी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय चार। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? किताबें हमें क्या बताती है और कब्रें हमें क्या बताती है, हम पढ़ेंगे पाठ। पुस्तकालय में मेरी जैसे कि घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। रैक है ना, अलमारी, आपने देखी होगी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है? चलो अब हम पता लगाते हैं वेद क्या है। तो हमारे पाठ में वेद है। वेद लिखे हुए पुराने धर्म ग्रंथ के अनुसार हमारे चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये हमारे चार वेद है। तो हम इसके बारे में आगे पाठ पढ़ेंगे। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ है में एक ही है चार वेद। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने प्रकार के हैं? चार। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। सबसे पुराना प्राचीनतम ग्रंथ हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। इसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। यह ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा तो प्रार्थना लिखी हुई है और इसे सूक्त भी कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। बहुत सारे भगवानों की स्तुति में रचे गए, मतलब उनकी प्रार्थना के लिए रचा गया है। इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण है, सभी देवताओं के लिए रचे गए। और इसमें तीन देवता महत्वपूर्ण है, कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। सोम, सोम रस बोलते हैं ना, सोम रस। तो एक पौधा, एक प्रकार का पौधा है और इससे सोम रस बनाया जाता है। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। कंठस्थ यानी याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश सूक्तों को सीखने, रचना करने वाले कौन थे? पुरुष थे, सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। अधिकतर तो पुरुष थे लेकिन महिलाओं ने भी इसकी रचना की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाता है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उसमें यह भाषा थोड़ी भिन्न है, उससे थोड़ी यह भाषा थोड़ी अलग है। आप जो संस्कृत पढ़ते हो और ये प्राक संस्कृत थोड़ी भिन्न है, थोड़ी अलग है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। हम जिन किताबों की बात कर रहे हैं छपी है, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है। इसमें ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, इन्हें केवल क्या कहता है? श्रवण, यानी सुना जाता है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। इसे छापने का काम 200 साल पहले हुआ है और इसकी रचना 3500 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन तब इसको छपाई नहीं होती थी और अब इसको 200 साल पहले इसको छापना प्रारंभ किया है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे?
जो इतिहास की जानकारी प्राप्त करते थे, पुरातत्व विभाग से थे, वे ऋग्वेद की जानकारी कैसे प्राप्त करते थे। इतिहास का पुरातत्वेदियों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। इतिहास आज जो पुराने समय में जो भी घटनाएं उनको उनकी खोज करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, खोज के साथ साथ उनके साथ लिखी गई सामग्रियों को भी अध्ययन में लेते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां हैं। विश्वामित्र और दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक जैसे ही सूक्त का अंश है, सूक्त यानी अच्छी तरह से बोला जाना है। इन दो नदियों को मानचित्र में प्रश्न क्रमांक 2 में खोजे तथा फिर पढ़े। उसके बाद हमारा आता है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। इस प्रकार से पांडुलिपि लिखी जाती थी, ऋग्वेद में इस प्रकार से लिखा जाता था। आप आपके पास किताब होगी, आप इसी में देख सकते हैं कि इस प्रकार से लिखा जाता था पांडुलिपि। विश्वामित्र और नदियां, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो धमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर भर रही हो। तुम जल के परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। कौन बोल रहा है? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने बोला कि नदियां बोल रही है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। नदियां क्या बोल रही है कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते, देवताओं ने हमारा रास्ता बनाया उस पे ही हम चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। नदी क्या बोल रही है कि एक बार अगर हम निकल गए तो हमको रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? नदी बोल रही है विश्वामित्र से, क्या हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? एक बार अगर हम निकल गए तो हम नहीं रुक सकते और हमारा मार्ग भगवान के द्वारा बनाया गया। विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की दूरियों के ऊपर न उठाएं, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। विश्वामित्र नदी से प्रार्थना करें कि हमको उस पार जाना है, तो आप हमें निकलने के लिए मार्ग दें। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार चले जाओ। नदी बोल रही है, हम आपकी प्रार्थना सुनते हैं और हम प्रार्थना सुनेंगे जिससे आप सुरक्षित उस पार चले जाए। इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। कौन कौन सी नदी? व्यास और सतलुज नदी। सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं, वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की जाती है। जहां पर ऋषि रहते हैं उस वहां पर घोड़ों और गायों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, इसीलिए इन नदियों को भी घोड़ों और गायों से तुलना की जाती है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण है? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अन्य सहायक नदी जैसे सरस्वती, सिंधु और इसके सहायक नदियां हैं। अब हम आते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ, मवेशी है जो गाइड हो, जो मवेशी रहे। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना की जाती है। ऋग्वेद में मवेशियों, मवेशी यानी गाइड हो और पुत्र, पुत्र यानी बेटा, बेटे के लिए प्रार्थना की जाती है। घोड़ों की वो लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता है। इन लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते हैं। जब लड़ाई होती है तो हम ये लड़ाई में क्या करते हैं, मवेशी जो गाइड हो को जीत कर लिया के आते अपने घरों में। लड़ाइयां जैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चरागाह हो वहां, जहां सो जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और अन्य बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां की भूमि अच्छी हो, जहां पे
अच्छी फसल पैदा हो और चराने जैसे जगह हो वहां के लिए लड़ाई होती थी और पानी के क्षेत्रों के लिए भी लड़ाई होती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बट जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आपने सुना ही होगा कि यज्ञ होता तो उसमें जानवरों की भी बलि दी जाती थी। तो ये उस समय ऋग्वेद के समय में चलता था। बलि में आहुति में घी और अनाज अनाज के साथ साथ कभी कभी पशु बलि भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। बहुत अधिक लोग पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी। सब कभी भी मिलकर युद्ध लड़ लेते थे। लेकिन लोग सभाओं से उन्हें मिलते जुलते और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते रहते थे। वहां वे लोगों ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। जो कुशल योद्धा है और बहादुर से काम करता हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम भाषा परिवार का समुदाय निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखिए। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते हैं। दूसरे लोग हैं दूसरे लोग के राजा। पहला है ब्राह्मण और दूसरे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे ना इनके पास सेना और न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। शासक नहीं बन पाता बन जाता था। पहले जैसे आप अगले उसमें पढ़ोगे कि राजा महाराजा रहते थे जो कर वसूलते थे। इस प्रकार से राजा नहीं होते थे। केवल ये शासन करते थे और इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र को राजा ऐसे ही नहीं बनाया जाता था। अब हम आते हैं कई बार पुरातन युद्धों में गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले होंगे। इस प्रकार से सजाए हुए पत्थर मिले होंगे। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला होगा। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। इस प्रकार से गोल पत्थर दर्शाए जाते हैं और कभी कभी ऐसा सीधा पत्थर भी लगाया जाता था। तो ये क्या बताते हैं इसका प्रमाण होता है कि ये कब्र है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। इस तरह के महापाषाण को ताबूत सौधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराग इस जो इस प्रकार से गोलाकार बना गया है इसमें सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। इसके अंदर से उतर के कमरे में जा सकते हैं। इस प्रकार से इसे बनाया गया है। इन सभी कब्रों में कुछ समानताएं सामान्यतः मृतकों को खासकर किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजारों हथियार घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ये सब क्यों मिला है क्योंकि जो व्यक्ति मरता था उसका जो भी सामान होता था उसको उसके साथ रख दिया जाता था। महापाषाण कब्र से मिले लोहे के सामान बाई और घोड़े के लिए सामान नीचे बाई और कुल्हाड़ियां घोड़े से सामान कुल्हाड़ियां और नीचे कटार इस प्रकार के सामान मिलते थे। लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना। पुरातत्वविदों को यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। जो व्यक्ति मरा है जिसे दफनाया गया कब्र में ये सामान सभी उसी का होगा। तो व्यक्ति की क्या है असमानता हो। वो लोग ऐसे सोचते थे कि ये मर गया तो इसको सामान देना पड़ेगा इसका सामान देना उसके साथ उसको भी दफना दिया जाता था। दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती है। मानचित्र 2 में वहां इंद्री को खोजे। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए।
दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी, कुछ सरदार थे तो कुछ उनके अनुयायी थे, सेवक थे। इस प्रकार से वे आप असमानता को दर्शाते हैं। जो अमीर था उसके साथ उसके सामानों को भी दर्शन उसमें डाल दिया गया और जो गरीब था उसके साथ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? देखो, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, एक कंकाल से अधिक कंकाल उसी जगह पर मिले हैं। ये वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया। मतलब जब भी उस पीढ़ी के लोग उस परिवार का लोग पड़ता तो उसको उसी स्थान पर दफनाया गया अलग अलग समय में। बाद में मरने वाले को पोर्ट होल से रास्ता कब्र में दफनाया जाता है। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चीहों का काम करते हैं, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। इस प्रकार से पोर्ट होल बनाया जाता है और इसके अंदर रास्ता बनाया जाता है कि इसी के अंदर फिर जाकर अलग से इनको दफनाया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा पाठ था। तो हमारे वेदों में पूरी इतिहास की जानकारी दी गई है और कब्रें भी बहुत कुछ बयान करती है हमारे इतिहास को। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ ये बयान करता है कि इतिहास में बहुत कुछ चीजें हैं जो हम आगे पाठ में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद बच्चों।